देखे के बाहर जो है ना वायरस बहुत ज्यादा है और प्रदूषण भी है और कोरोना काल भी चल रहा है, सबको कहीं कहीं खांसी हो रही है, या एक डर रह रहा है कि मतलब संक्रमण ना हो जाए या तकलीफ ना हो जाए। तो अगर अगर आप प्लांट लवर हैं, आपके घर में कोई भी ना कोई आप प्लांट रखते हैं, तो मैं प्रीफर करता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे पेड़ तो हर कोई उपयोगी है, लेकिन सबसे बेस्ट है स्नेक प्लांट। अगर आप इंडोर रख रहे हैं, घर के अंदर रख रहे हैं, बेडरूम में रख रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्नेक प्लांट रखिए। ये क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं श्वास द्वारा या बाहर में जो प्रदूषण है, वो जहरीली जो गैस हो रही है उसको ये फिल्टर करने का काम करता है, हवा को शुद्ध करने का काम करता है। स्नेक प्लांट के तो काफी बेनिफिट्स हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, नासा ने भी इम्प्रूव किया है इसको, आपके प्रूव करके दिया है। आप चाहें तो गूगल से भी पढ़ सकते हैं, इसके बेनिफिट्स उस पर भी हैं, और नासा का जो भी लीगल लेटर है स्नेक प्लांट के लिए, और वो आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज स्नेक प्लांट की आप, मैं बात बताऊं कि आप जब उसको बेडरूम में रख रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं, तो आप अगर जो प्रदूषण यंत्र आता है, मापने का जो यंत्र आता है, उससे अगर आप बाहर का टेम्परेचर मापें और स्नेक प्लांट थोड़े अपने घर में लगा दीजिए, उसके बाद उसका टेम्परेचर अगर आप मापेंगे, तो बाहर के जो प्रदूषण है उससे कई गुना ज्यादा शुद्ध हवा आपके बेडरूम में आपको मिलेगी। यही खासियत है स्नेक प्लांट की। और ये मैं कहता हूँ कि नर्सरी से आपको 50, 60 या 100 रुपए तक मिल जाएगा, और इसको लगाना बहुत आसान है। अगर कोई व्यक्ति ला रहा है तो आप यहाँ से इसकी लीफ कट करके पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, जड़ निकल जाए तो आप उसको वापिस गमले में डाल दीजिए, और या तो उसका कोई भी लीफ तोड़ के आप मट्टी में उगाएंगे तो उग जाएगा। इसका कैरी करना बहुत ईजी है, और ये नमी वाले वातावरण पे रहता है, धूप में कम रहता है, और पानी भी इसको ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं है, हफ्ते में भी एक दिन देंगे तो चलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास थोड़ी अवेलेबिलिटी है और आपके कमरे में अगर आपको कोई तकलीफ ना होती हो, तो ऐसा एक बेस्ट प्लांट उगाना चाहिए, नेचर से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति से कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं, इसीलिए आज हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, श्वास लेने में दिक्कत पड़ रही है, और बाहर हमको ऑक्सीजन खरीद कर लेना पड़ रहा है। ईश्वर ने काफी चीजें दी हैं जिससे हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है पेड़, आप सभी जानते हैं। तो आप स्नेक प्लांट उगाइए, दूसरे भी पेड़ उगाइए, और नेचर से जुड़े। जय हिंद।